हेलो दोस्तों, फिर से आपको एक नए टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, हम आज जानेंगे इस वीडियो में हमारे पड़ोसी मुल्क की पाकिस्तान के आवाम हमारे दो ग्रेट प्लेयर विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बारे में किस जिस प्रकार विराट कोहली हर बार पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाता है और नॉट आउट रह जाता है, सूर्य कुमार यादव हर बार तेज़ी से रन बनाना और रिसेंटली रिजवान को पीछे छोड़कर T20 वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर बनना, उनका असर पाकिस्तान के आवाम पर किस प्रकार पड़ा हुआ है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उन्होंने 1000 रन किए हैं, वो अभी तो वो नंबर वन स्पॉट पे आ गए ना ICC रैंकिंग में। तो सूर्य कुमार वाइटल विकेट होते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, फाइनली हो सकता है, अब सेमीफाइनल तो हो नहीं सकता। सूर्य कुमार की विकेट बहुत वाइटल होगी पाकिस्तान के लिए। जी, अच्छे खेलता है, आगे खेलता है, लेग साइड ऑफ साइड हर तरफ खेलता है। अच्छा, अगर हम उनका रिजवान के साथ कंपैरिजन करें तो फर्क क्या देखते हैं दोनों में? रिजवान के साथ उनका कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि रिजवान एक अलग कैटेगरी का प्लेयर है, सूर्य कुमार अलग लेवल का प्लेयर है। भाई हमने अब जीतना, हमने फाइनल भी जीतना। अगर हम मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा इंडिया के साथ हो फाइनल, फाइनल हो, उनको पता चले कि पाकिस्तानी टीम के साथ इनका टाकरा पड़ा है। बाकी तो टीमें छोटी मोटी हैं जो उनसे हार के चली जाती हैं। पाकिस्तानी एक बाहर टीम है जो इनसे हारती नहीं है। जब वो हम आप पिछले मैचों में लगा लें अफरीदी, ज्यादातर वो अफरीदी साहब के ठीक है जब कभी चलते थे, लेकिन अब अगर पिछले मैचों वो आपने देखा नहीं है कि वो जो विराट कोहली है वो ऐसे जुबान निकाल के खड़ा हो जाता है, ऐसे उसके सांस हो जाते हैं जब। लेकिन ये है कि चले बाद दफा कभी थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से ये हारते हैं, लेकिन अब नहीं। वो आप यहाँ पे ही होते हैं, इधर ही होता हूँ। जैसे